आज हम एक्सरसाइज नंबर 17 बी की दूसरी वीडियो बना रहे हैं। पहले वीडियो में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन से आप 6 से लेकर 9 तक, इस तरह से हमारा ये आज चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ सर्कल और बुक हम कर रहे हैं न्यू काउंटर 7 सेकंड एडिशन। तो आए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 12 मीटर्स हैज अ रोड 4 मीटर वाइड रनिंग राउंड इट। 12 मीटर रेडियस का एक ग्राउंड है, पार्क है, और जैसे ये रेडियस है तो वो 12 मीटर रेडियस होगा और ये गोल पार्क है। और उसके बाद क्या लिखा है, 4 मीटर वाइड रन अ रोड 4 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट। इसके सर्कुलर साइड पे 4 मीटर वाइड चौड़ा एक रोड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटलिंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹600 पर स्क्वायर मीटर। तो उसको जैसे मेटल रोड होता है तो उसको मेटल रोड बनाना है तो उसपे कॉस्ट कितनी आएगी। तो पहले हम विदाउट रोड उसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर विद रोड उसका एरिया फाइंड करेंगे और एंड पे जाकर हम उसका कॉस्ट निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क विदाउट रोड, रोड के बगैर कितना है, 12 मीटर। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क विदाउट रोड, पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू यहां पे दी गई है 22/7 और उसका एरिया कितना है, रेडियस 12 × 12। तो इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 7 से हम डिवाइड कर लेंगे। 12 को 12 से किया तो 144 आ जाएगा, फिर इसको 22 से हम करेंगे, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2, इस तरह सेकंड में भी। यह आ जाएगा 3168 और डिवाइड पर इसको करेंगे 7 पे। सेवन फोर्स आर ट्वेंटी एट, थ्री पच गया, सेवन फाइव आर थर्टी फाइव, सेवन टू आर फोर्टीन, सेवन फाइव आर थर्टी फाइव, एक जीरो लगा दिया, सेवन सेवन आर फोर्टी नाइन। तो इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास आया है 452.57 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं कि विद रोड, रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क विद रोड ये आ जाएगा हमारे पास 16। एरिया इसका फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क विद रोड
पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16। 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, टू फिफ्टी सिक्स ओवर सेवन। ये आ जाएगा 5,632 मीटर स्क्वायर। इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे, थ्री जीरो जार जीरो, ये आ जाएगा 804.57 मीटर स्क्वायर। ये 452 विदाउट रोड और 804 विद रोड। तो अभी हम रोड का पहले एरिया मालूम कर लेते हैं, फिर उसके हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रोड हम इसको 804.57 माइनस 452.57 माइनस कर लेते हैं, इसको ये आ जाएगा 352। ये रोड का एरिया है। अब रोड में कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 600 है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मैटिंग ₹600, कॉस्ट ऑफ 352 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 352 को हम 600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिक्स टू दैट 12, सिक्स फाइव सा 30 एंड 131, थ्री कैरी सिक्स, थ्री सर 18 एंड 320। खर्च आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द डायमीटर ऑफ ए स्कूटर्स व्हील इज 44 सेंटीमीटर। एक स्कूटर का जो व्हील है उसका डायमीटर 44 है। हाउ फार विल स्कूटर हैव ट्रेवल्ड, स्कूटर कितना ट्रेवल करेगा अगर वो 450 रेवोल्यूशंस लेता है, चक्कर लेता है, चक्कर काटता है उसके गिर्द, वो भी एक चक्कर में कितना फासला तय करता है और 450 चक्रों में वो कितना फासला तय करेगा।
गिव योर आंसर इन मीटर, तो उसका आंसर हमें मीटर्स में देना है। यहाँ पे दो चीजें हैं काबिले गौर, एक तो डायमीटर दिया हुआ है और एक हमने व्हील का सर्कमफेरेंस मालूम करने के बाद फिर हम उसका टोटल डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डायामीटर ऑफ स्कूटर्स व्हील ये है 44 सेंटीमीटर और हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। रेडियस ऑफ स्कूटर्स व्हील 44 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे उसका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस ऑफ स्कूटर्स व्हील, इसको फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 पाई आर। 2 हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 3.142 और फिर हम रेडियस लिख लेते हैं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 138.248। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर है, यहां पे एक स्पेशल कंडीशन दी गई है, गिव योर आंसर इन मीटर, तो यहां पे हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.38248। ये उसका एक चक्कर का डिस्टेंस है, एक चक्कर में हम यहां पे लिख लेते हैं डिस्टेंस इन डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन 1.38248 मीटर। और टोटल उसने रेवोल्यूशन कितने ही है, डिस्टेंस इन 450 रेवोल्यूशन, तो 1.38248 मल्टीप्लाई 450 ये आया 622.116। इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, मीटर। तो इतना उसने 450 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर किया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। द व्हील ऑफ अ बस हैज अ रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशन ऑफ व्हील विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। रेडियस उसका 50 सेंटीमीटर है तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने चक्कर लगाता है। पहले हम एक चक्कर में मालूम कर लेते हैं कि एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है और फिर हम देखेंगे कि 3 किलोमीटर में वो कितने चक्कर लगाता है। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ बस ये 50 सेंटीमीटर और फिर उसका सर्कमफेरेंस
तो सर्कमफ्रेंस इसका मापन करते हैं, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मल्टीप्लाई 3.142 और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 3.142 को तो ये आ जाएगा 314.2 सेंटीमीटर, 314.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आगे उसका एक व्हील के एक चक्कर में डिस्टेंस। अब हमने जो कि मालूम करना है किलोमीटर, तो किलोमीटर में 3000 मीटर होते हैं तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट इनटू मीटर्स 314.2 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ जाएगा 3.142 मीटर। एक चक्कर में वो 3.412 मीटर में एक चक्कर लगाता है तो 3000 में यहां पे लिखा है इन 3.142 मीटर व्हील व्हील टेक रेवोल्यूशन कितने चक्कर लेगा वो तो 1 लेगा इन 3 किलोमीटर और या उसमें कितने मीटर होते हैं किलोमीटर में तो 3000 मीटर में व्हील टेक रेवोल्यूशन कितने वो चक्कर उसमें लेगा 3000 मीटर में तो 1 ओवर 3.142 मल्टीप्लाई 3000 954.8 इतने उसके रेवोल्यूशन आए। तो इसको हम जब राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ करने से आएगा हमारे 8 स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं जो हमारे एक्सरसाइज 17 बी का लास्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। हम इसको रीड करते हैं। अ बोट इज केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड 14.5 मीटर बाय 22 मीटर। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 22 मीटर है और विड्थ उसकी 14.5 मीटर है। इसमें एक बोट बंधी हुई है। इट इज टाइड अ पोल एट द सेंटर ऑफ द फील्ड। इस फील्ड के सेंटर में वो बंधी हुई है विद अ चेन, चेन के साथ बंधी है दैट इज 2.5 मीटर लॉन्ग। जो 2.5 मीटर लॉन्ग चेन है व्हाट इज द सरफेस ऑफ द फील्ड ऑन विच इट विल नॉट बी एबल टू ग्रेस। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड में वो कौन सा हिस्सा होगा कि जहां वो ग्रेस नहीं करेगी, जहां वो घास नहीं खा सकती। तो ये जो चेन है इसके हिसाब से ये जितना मैंने सर्कल बनाया हुआ है इतने अरसे में तो इतनी जगह पे तो वो घूम सकती है, यहां पे वो घास खा सकती है, ये जो बाकी हिस्सा है यहां पे नहीं खा सकेगी। तो इस तरह से हम पहले तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया फाइंड करते हैं, फिर हम सर्कुलर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम रेक्टेंगुलर से सर्कुलर को माइनस करेंगे। इस तरह से जो हमारे पास हिस्सा बचेगा वो जगह होगी जहां से वो घास नहीं खा सके। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 22 मीटर
width of rectangular field 14.5 meter, area of rectangular field 14.5 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5s are 10, 1 carry, 2 4s are 8 एंड 1 9, 2 1s are 2, नीचे भी यही आ जाएगा, तो 1 short पे हम पॉइंट लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 390। तो यहां पे एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मीटर स्क्वायर है ये। इसके बाद हम इसका देंगे जो सर्कुलर एरिया है उसका, रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन 2.5 मीटर एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन 5 r² पाई की वैल्यू है, इसको हम 2.5 से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया 19.6375 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से हम इसके एरिया से, रेक्टेंगल के एरिया से सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने में से घास जो है वो नहीं खा सकती। एरिया नॉट बी एबल टू ग्रेज 319 माइनस 19.6375, तो ये आ जाएगा 299 मीटर स्क्वायर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अगर सीखा है तो जरूर दूसरों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्निंग जस्ट अहेड, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दूसरों तक ये जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू।